आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति के इस भाग में देखेंगे औरंगाबाद में इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिश घनश्याम गड़ादरा जी, इनका एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होटल वर्षा इन में आज संपन्न हुआ। ये सेमिनार सोहन कुमार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सोहन कुमार हमेशा ब्यूटी क्षेत्र में नए नए सेलिब्रिटी को अपने शहर में लेकर आते हैं, ताकि मराठवाड़ा की ब्यूटिशियन को शहर छोड़कर पुणे, दिल्ली, गुजरात, मुंबई जाकर ट्रेनिंग लेने की जरूरत ना पड़े। इस बार गुजरात के इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट ओम अकेडमी के सर्वे सर्वा घनश्याम गड़ादरा जी को एक दिवसीय सेमिनार के लिए बुलाया गया। इस समय शहर के अलावा मराठवाड़ा के हर कोने से ब्यूटिशियंस ने हिस्सा लिया। आइए इस सेमिनार की कुछ झलकियां देखते हैं आरोग्य जागृति में, और इस सेमिनार में आई हुई ब्यूटिशियन से ही जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। कि अभी ये हेयर स्टाइल का प्रोग्राम लेने के ऊपर क्या आपका मकसद क्या है? बहुत सारे ब्यूटिशियन का सवाल था कि सर कुछ हम लोग मेकअप सीखते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग हेयर एक्सेसरीज इस्तेमाल करके हेयर को डेकोरेट करते हैं, हमको कोई ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट लेकर आइए ताकि हम उनके बालों के साथ खेल के उनके बालों को कुछ अलग डिज़ाइन और मोड करें। तो काफ़ी ब्यूटिशियन का फिर मैंने क्या किया कि रिसर्च किया कि भाई किनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, कौन अच्छा आर्टिस्ट है, और मैं जो भी लाता हूँ यहाँ पर तो वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी जैसे घनश्याम सर है, इनको इतना फॉलोअप किया मैंने, इनके इंस्टा के वीडियोस देखे, फेसबुक के वीडियोस देखे। बाकी जो आर्टिस्ट है ना, केवल प्रोडक्ट, ये मैंने पहली बार भी बताया था कि बाकी जो आर्टिस्ट है वो केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनका उद्देश्य होता ही नहीं सिखाना, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। और यही सवाल मेरा घनश्याम सर से था कि घनश्याम सर भाई प्रोडक्ट का नॉलेज जरूर दूंगा, लेकिन किसी को नहीं बोलूंगा कि यही लो तो ही आपका आएगा। ये मुद्दा क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला, घनश्याम सर से बात करें तो घनश्याम सर बोले कि पक्का मैं यही चाहता हूं कि हम लोग एजुकेट करें लोगों को, अपने क्षेत्र में अपडेट रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। आज मेरे से सीखे कल किसी और से सीखो, सीखते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हेयर स्टाइल में बहुत अच्छा, और उनका काम मैंने देखा अभी ब्यूटिशियन को, मैंने मतलब उनके चेहरे की रौनक बता रही है मुझे कि सुबह का सेशन इतना अच्छा हुआ हमारा कि वो चाहते हैं कि इनका 3 दिन का वर्कशॉप करें। और लोग ऐसे बोल रहे कि अगर सेमिनार ही है तो फिर ये वर्कशॉप क्या होता है। मतलब काफ़ी ब्यूटिशियन का मेरे को ये आया कि सर सेमिनार ही इतना गजब था कि सब डिटेलिंग में वो प्रोडक्ट के बारे में कैसे कैसे करना ये सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर आखिर वर्कशॉप में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि वर्कशॉप में घनश्याम सर और कुछ जादू करने वाले हैं शायद, ऐसा कुछ मुझे लगता है सर। थैंक यू, मतलब पूरा ही मालूम मिलना चाहिए। यस यस, बहुत 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 ये बोला, आपके सवाल बड़े टफ रहते हैं सर, मतलब मुझे लगता है कि आपको वहीं बैठना चाहिए। प्रॉब्लम ये कि हमने क्या किया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वनडे का सेमिनार ऐसा था कि इनको पता तो चले कि घनश्याम सर एक्चुअल करते क्या है। मतलब क्या होता, टीवी में देखना, मोबाइल में देखना और प्रत्यक्ष में उनको देखना कि वो काम कैसे करते हैं, सारा ड्रामा, ये फोटोज बनाने के बाद कुछ तो भी जुगाड़ वगाड़ करके ये फोटो निकालते हैं, यहाँ इनके आंखों के सामने सारी प्रक्रिया हो रही है। तो मैं इनको ये बताने का कि थोड़े अमाउंट में आप सेमिनार कर लीजिए, अगर आपको विश्वास हो जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि बाय गॉड ये अच्छा प्रोग्राम है और इससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगी, तो ये 100% अब मैं नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में घनश्याम सर को लेके एक वर्कशॉप करने वाला हूँ 3 डे या 4 डे का, और देखते हैं कितने ब्यूटिशियंस आती हैं। और ये मेरी सिस्टर से ना जाके पब्लिसिट करते हैं कि हमने सेमिनार किया बहुत अच्छा था, अब वर्कशॉप मिस मत करो। इतना मुझे ब्यूटिशियंस के फीडबैक आते थे कि सर एक बार सेमिनार करो ना सर, हमको हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेकअप तो बन जा रहे हैं हमारे, हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, इंस्टा पे सर्च किया, कहीं से भी जाता हूँ तो घनश्याम सर पे आके रुकता था, मैं इधर से घूम रहा हूँ तो घनश्याम सर पे आके रुक रहा हूँ, तो यार मतलब क्यों ना एक बार इनसे बात कर लिया जाए। फिर मैंने घनश्याम सर से संपर्क बढ़ाया और बात किया, सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ जब भी घनश्याम सर यहाँ कोई इंस्टीट्यूट या ब्रांच खोलना चाहते हैं तो मैं सबसे पहला हकदार मैं रहूँगा, और मैं उनको झगड़ के मैं वो इंस्टीट्यूट ले लूँगा या उनकी ब्रांच मैं ये करूँगा, टेक ओवर करूँगा, सर मैं करता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। और क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सारा ऊपर वाला करता है, मैं मेरे बहनों के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे बहन की तकलीफ थी एक समय, वही तकलीफ किसी और बहन को नहीं होना चाहिए। आप ये थोड़ा इमोशनल समझिए, ड्रामेटिक समझिए, लेकिन ये सत्यता है, ये मैं मेरे सिस्टर्स के लिए कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। घनश्याम जी से ही बात करेंगे क्या हेयर स्टाइल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम घनश्याम ओम हेयर स्टाइलिंग फ्रॉम सूरत इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। आज हमारा सेमिनार औरंगाबाद में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी ब्यूटिशियन यहाँ से 250 किलोमीटर से भी दूर से यहाँ पे ब्यूटिशियन आई है, और सोनू कुमार जी ने स्पेशली उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा है कि मैं क्या उसके बारे में इतनी तारीफ़ करूँ कि मेरे पास वर्ल्ड ही नहीं है कुछ तारीफ़ के लिए। और ये जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज है हमारी,
वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। और सोनू जी क्या कर रहे हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं औरंगाबाद में, जो महिला है उसके लिए अगले बार दीपावली के बाद सीजन आएगी तो सीजन में क्या काम आएगा, ब्राइडल लुक, ट्रेडिशनल लुक, वेस्टर्न लुक, तो ये अपडेट होने के लिए वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। और ये प्रोग्राम आज इसलिए स्पेशली रखा है कि सीजन के लिए जो ब्यूटिशियन है उसको काम आए, कहीं पर भी क्लाइंट के ऊपर कर सके और अपडेट हो सके। सर, महिला जो अपने ब्यूटी पार्लर में जो भी हेयर स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, अगर हेयर स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो बिज़नेस में ग्रोथ कैसे हो सकती है? यस, जो हेयर स्टाइल है वो मेन चीज है ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में, हेयर स्टाइल एंड मेकअप, तो इसमें ज़्यादा इनकम रहती है, इसमें ज़्यादा फोकस करोगे तो आप आगे जा सकते हो और फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। जो वर्कशॉप कंटिन्यू लेते हर इसमें सर का अलग कुछ सीखने को मिलता है, और जो आज सुबह से हम ले रहे बहुत इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मतलब औरंगाबाद से। अच्छा, तो आपको कैसा लगा दिन भर में, आपको सुबह से अभी तक दोपहर के फर्स्ट सेशन में कैसा लगा है? मजा आता है सर। अच्छा। के साथ जो भी सेमिनार हम लेते हैं सर के साथ मजे से काम करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है और जो भी नॉलेज हम यहाँ से लेते हैं उससे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है आगे के लिए। थैंक यू। और सर ने बहुत ईजी तरीके से जो टेक्निक बताई है वो हर एक को समझ में आ गया आज। संगीत अवार्ड परभनाले सोहम सर नेहमीच नवीन नवीन सेमिनार मला खूप आम्ही खुशी खुशीने येतो सर। सोहम सरांनी सांगितलं की कारण खूप नवीन नवीन आम्हाला यांच्याकडनं शिकायला भेटतं। यावेळेस हेअरस्टाईलचं आत्तापर्यंत आम्ही म्हणजे परभणीहून कधी घनश्याम सरांचं कधी ऐकलंच नव्हतं, फर्स्ट टाईम आम्हाला एवढा आनंद झाला सोहम सरांनी हे सेमिनार ठेवल्यामुळं। आता आम्ही आणखी उत्सुक आहोत त्यांचा वर्कशॉप ठेवा, लवकरात लवकर ठेवा आम्ही, आणि हेअरस्टाईल नवीन नवीन एन्जॉय करावं। आणि खूप छान यांनी शिकवलं, म्हणजे असं आम्ही महाराष्ट्रीयन असल्यामुळं म्हणजे साध्या साध्या हेअरस्टाईल करतो आत्तापर्यंत, पण सरांची टेक्निक पाहून एवढं सोप्या पद्धतीने इतका इंटरेस्ट आला आणखी हेअरस्टाईलमध्ये आणखी छान करण्यासाठी। मी अर्चना बोरा, मी माजलगाव से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट बीड है। सोहम सर जैसे हमको सबको पता है कि मेकअप के इसके वर्कशॉप अभी तक सर ने बहुत सारे किए हैं, सेमिनार भी किए हैं, पर हेयर स्टाइल का जब सर ने किया बोला कि है सेमिनार तो हमको ऐसे भी हेयर स्टाइल करना है। हेयर स्टाइल एक नहीं क्या, मेकअप के बाद में कोई टफ चीज़ है तो हेयर स्टाइल है, वो सीखना ज़रूरी है। और सोहम सर ने नहीं क्या सर को लाकर हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हेयर स्टाइल हमको नए स्टाइल में सीखना था लेकिन ईजी टेक्निक में सीखना था, और सर ने आज एक ही दिन में हमको इतनी अच्छी ईजी टेक्निक में सिखाया है कि अभी वर्कशॉप करने की तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई है। नया एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या सिखाया सर ने, है ना नहीं क्या, जैसे हम रेगुलर चोटी डालते हैं ये सिर्फ चोटी ही सबको पता थी, लेकिन आज उसको है ना सर ने नए टेक्निक में दिखाया है तो वो लग ही नहीं रही कि हमने नेचुरल जो चोटी डालते थे सब वो वैसी है, तो वो एक टेक्निक छोटी सी है पर बहुत बढ़िया थी, उससे हेयर स्टाइल में काफ़ी हमको इम्प्रूव मिल गया है, तो हम छोटे बालों में बड़े बालों में वो टेक्निक हम लेकर वो कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा हमको। जो भी ब्यूटिशियन आज नहीं आई है मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि सोहन सर ने जब भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, और सभी ब्यूटिशियन के फ़ायदे की बात सोची है, उन्होंने कभी खुद का फ़ायदा नहीं सोचते, सिर्फ ब्यूटिशियन का फ़ायदा सोचते हैं वो, तो जिन्होंने मिस किया है मैं उनको बोलूँगी कि आप ज़रूर ज़रूर इसके बाद में हर सेमिनार हर वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। सर कैसा है सोहम सर का ना, हर बार अलग अलग सेमिनार वर्कशॉप लेके आते तो हर बार हमको ऐसा लगता है कि हर बार नया सीखने को मिलेगा, नया सीखने को। लखन सर का किया, सैमन जाज का किया, अभी ये सर का किया, ये सर का तो इतनी ईजी टेक्निक है कि हम तो एकदम शॉक हो गए कि इतनी ईजी टेक्निक से हम इतने बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल कर सकते हैं, तो बहुत सर थैंक यू सो मच। शालिनी बाबर औरंगाबाद से ही हूँ, हनी स्पैंड ब्यूटी सलून है मेरा। आज सवेरे से हम यहाँ आए लेकिन ऐसा बोर नहीं हुआ, और मतलब बहुत ईजी टेक्निक सीखने को मिली आज, मतलब क्रिएटिव बहुत है उसमें अगर करने को जा एक हेयर स्टाइल में, और मतलब बहुत इजी टेक्निक से सर ने बहुत कम समय में हेयर स्टाइल सिखाई है बहुत अच्छे से। मैम जैसा आपने हेयर स्टाइल सीखा है अभी अभी पहले पार्लर भी करती हो आप, उसमें आपको अभी बिजनेस में ग्रोथ होगा ऐसा लगता है आपको? हाँ, फिर और वर्कशॉप भी करना चाहिए सर का।